फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को पूरा कराने की आस में सड़क पर उतरा भारतीय किसान संगठन अब दिल्ली की ओर बढ़ने लगा है। 11 सितंबर को सहारनपुर से शुरू हुई भारतीय किसान संगठन की पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर किसान घाट पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच समस्या ये है कि प्रशासन उन्हें रोकने में जुटा हुआ है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसानों द्वारा किसी भी बवाल को करने से रोका जा सके। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें रोका गया तो वो वहीं पर धरना देना शुरू कर देंगे, साथ ही भूख हड़ताल भी जरूर करेंगे। गौरतलब है कि इस तरह का प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सरकार से निराश होकर किसान संगठन कई बार अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर चुका है। आपको बता दें कि पद यात्रा में शामिल किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी के साथ बिजली की कीमतों में हुई बढ़ोतरी वापस लेने, गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल किसानों का काफिला नोएडा सेक्टर 69 के पास है। भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष पूरन सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि कृषि मंत्रालय के अधिकारियों और किसान के बीच बातचीत विफल होने के बाद हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा है जो कि हमारी मांग की ओर ध्यान आकर्षित करेगा, वो है दिल्ली तक मार्च करना। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अधिकारी हमारी मांगों को जरूर सुने। आपको यहां पर बता दें कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं। किसानों को कम रेट पर मिले बिजली, गन्ने की पेमेंट ब्याज सहित हो, गौवंश की देखभाल का भत्ता बढ़ाया जाए, किसानों की पेंशन भी शुरू की जाए, किसानों का दुर्घटना बीमा हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का कर्ज माफ हो। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की मांग पर क्या रुख करता है और इस पर क्या फैसला निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।